गार सिद्दीक ही से है रस्म मोहब्बत उस्तवार। सिद्दीक जब तलक किसी के दिल में ना आएंगे, उस दिल में ना आएंगे नबुव्वत के ताजदार। हजरात आज दाए अजीम शान प्रोग्राम जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो दी अजमत के हवाले ना रखिया गया, ताड़े इलम दे अंदर ये बात होएगी कि चंद दिन कबल इस्लामाबाद के अंदर एक राफसी ने खलीफतुल मुस्लिमीन सुसरे पैगंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो उन्हां दी शान दे अंदर गुस्ताखी और बेअदबी कीती है। असी गाली दा जवाब गाली दे अंदर भी दे सकने आ, लेकिन गाली ओ कटदा है जिदे कोल दलील ना होए, गाल ओ कटदा है जिदे कोल कुरान दियां आयतां ना होन, गाल ओ कटदा है जिदे कोल फरमाने मुस्तफा ना होए, गाल ओ कटदा है जो अजमत सहाबा नू ना मंदा होए। हजरात ग्रामी कदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो वाहद मुत्तफकुन अलैह शख्सियत है, चाहे सुन्नी मुसलमान होए, चाहे अहले हदीस मुसलमान होए, चाहे देवबंदी मुसलमान होए। हजरात ए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो करोड़ों मुसलमाना के दिल के अंदर वास्ते ने, लेकिन जो तोहीन की गई है, जो बेअदबी और गुस्ताखी की गई, असी उसकी परजोर मुजम्मत करने आ और असी ये बात हुकामे बाला तक पहुँचाना चाहते हैं कि उस जंदीक नू कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसकी गिरफ्तारी फौरन की जाए और कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि हर चीज से कंप्रोमाइज हो सकता है। बिजली ना दो कंप्रोमाइज हो सकता है, हजरात गैस ना दो गुजारा हो सकता है, सड़क ना बनाओ कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन सहाबा की अजमत से कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि वो नबी दे यार ने ओ सिद्दीक अकबर कौन जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जिन्होंने सब नाल पहला नबी दा कलमा पढ़िया, वो अबू बकर सिद्दीक ने जो सब नाल पहले मुसलमान होए, वो अबू बकर सिद्दीक ने जो सब नाल पहले मोमन कहलवाए, वो अबू बकर सिद्दीक ने। हजरात जिन्हां दे दरवाजे ते मुस्तफा सब नाल पहले आए, वो अबू बकर सिद्दीक ने जिन्होंने अपने कंधिया ते मुस्तफा नूं सवार किया। बोलो अबू बकर, सारे बोलो अबू बकर, जो मुस्तफा नू कंधिया ते उठा के गार तक ले गए, वो अबू बकर सिद्दीक ने जिन्होंने सब ना पहले गार के अंदर जाके अपनी चादर नू फाड़िया, सुराख बंद कीते अबू बकर सिद्दीक ने, जिन्होंने सांप ने डंगया वो अबू बकर सिद्दीक ने, मुस्तफा नू जगाया नहीं वो अबू बकर सिद्दीक ने, जिन्हों दियां अखां चो आंसू दे कतरात निकले मुस्तफा दे चेहरे ते पै वो अबू बकर सिद्दीक ने, जो उम्मे माबद दे झोंपड़ी के अंदर गया ने वो अबू बकर सिद्दीक ने, उम्मे मोहम्मद की बकरी का दुध दो के मुस्तफा नू पियाया फिर खुद पीता ते खुश होए ने अबू बकर सिद्दीक ने, जो सब ना पहले कुबा बस्ती के अंदर गया ने। बोलो अबू बकर, सारे बोलो अबू बकर सिद्दीक ने। हजरात ग्रामी कदर कुबा की बस्ती के अंदर जिन्होंने मुस्तफा दे सिर से चादर तानी वो अबू बकर सिद्दीक ने, मस्जिद नबवी की जगह खरीद के मुसलमाना वास्ते वक्फ की वो अबू बकर सिद्दीक ने। हजरात ग्रामी कदर जिन्होंने रोजा तुम रियाद जन्ना जगह खरीद के मुसलमाना वास्ते वक्फ फरमाई, हजरात ग्रामी कदर वो अबू बकर सिद्दीक ने। अगे बढ़िए, कौन अबू बकर सिद्दीक ने जिदे बारे मुस्तफा ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर सारे लोगों के एहसानात के बदले चुका दिते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वाह शख्सियत है जिदे एहसान का बदला कल क्यामत दिन रब्बुल आलमीन अपने दरबार के अंदर चुकाएंगे। कौन जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो जिन्होंने हशर के मैदान के अंदर सब ना पहला रब के दरबार के अंदर हिसाब वास्ते पेश किया जाएगा, वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने। हजरात
ग्रामी कदर आगे बढ़िए जिन्होंने नबी की जिंदगी के अंदर मुसल्ले ते खड़ो के सहाबा नू इमामत करवाई वो अबू बकर सदीक ने जो अमीर हक बने वो अबू बकर सदीक ने और मुस्तफा दे इस दुनिया तो चले जाने के बाद मुनकरी ने ज़कात का खात्मा किया वो अबू बकर सदीक ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंगे यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए खत्मे नबूवत का दिफा किया हजरत ग्रामी कदर अबू बकर सदीक ने जिन्होंने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए ने असी गाली नहीं करते बल्कि उन्हों का जवाब कुरान की शक्ल के अंदर देना चाहते हैं और जब तक इंशाल्लाह असी जिंदा रहेंगे अजमत सहाबा बयान करते रहेंगे बोलो अजमत सहाबा जिन्हों कुरान ने कहा वल्लज़ी जा बिस्सिद्दीक़ी व सद्दक़ बिही वो अबू बकर सदीक है जिदे बारे कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून वो अबू बकर सदीक ने जिदे बारे कुरान ने कहा रुहमाउ बैनहुम वो अबू बकर सदीक ने जिदे बारे कुरान ने कहा इज़ हुमा फिल गारी इज़ यकूलू लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना सारे बोलो कौन है